तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी हम सब रेडी हो गए हैं, 11:30 बज रहा है और अभी जस्ट निकलने के जा रहे थे, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मेरे हॉस्टल रूम सेट करने। तो पैक वैक सब पैक हो गया और मम्मी ने रात भर ही पैक किया है, वीडियो भी एडिट नहीं हुई थी। चलो, ये दो ही बैग है ना, दो बैग हैं, बाकी पूरा मैट्रेस है। ये घड़ी अभी नहीं पहनी है मैंने, बट द दिक्कत इज कि ये रस्सेस ले जाएंगे हम। तो हमारे पास ये बैग है, वो बैग है और एक है, इसको डालते हैं कार में। तो आज तो पापा है नहीं, पापा गए हैं ऑफिस, तो मम्मी मैं और कार्तिका और उसकी मम्मी जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भराना है और गाड़ी में अभी कूलेंट भी डलवाना है, गाड़ी बिल्कुल कूलेंट नहीं है। तो लेट्स गो, बाल भी ख़राब हुए, बनाते हैं। मैं नहा के आया, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, मैंने जल्दी स्टार्ट कर दो, फिर टाइम नहीं मिलता। तो लेट्स गो। हमारे पास स्पेस की कमी, नीचे मैंने इसके गद्दा लगा दिया, ऊपर सूटकेस रख दिया, बट हमें ये हटाना पड़ा जो होता है कार के पीछे, बट कोई नहीं, ये मैनेज हो गया। अभी दो तीन बैग और होंगे। हेलो हेलो प्रणाम, के पता नहीं तो आ गए हम लोग, यहाँ क्या चक्कर है, पंजीकरण पूछताछ। अरे आ रहे फूलबाग बूथ हुआ है। तो अभी हम आ गए बंदे के कॉलेज से पहुंच गए और अभी एंट्री करानी पड़ती है यहाँ, तो अभी एंट्री कराएगा और हम जाएंगे। हाँ हाँ, मैं तो हॉस्टल दिखा रहा हूँ, ये हॉस्टल में सॉरी गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस ये मामी हॉस्पिटल है, यहाँ 1 रुपए की पर्ची बनती है, सब सामान बाजार हुई, एक ही तो बाजार है, ये है बड़ी बाजार, सारा अरे यही आते तुम लेते हैं, यहाँ फूल मिलते हैं। तो ये आ गया हमारे मम्मी आए होने वाला नया हॉस्टल। रुक मैं तोड़ता हूँ, दिखा अपने बड़ा ताला भी है ना, क्या होता टूटे भी ना। तो हमने यहाँ फतेह कर ली, हमने ताला नहीं तोड़ पाए। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट हो गया रूम, ये अपना रूम शिफ्ट करेगा, फिर मैं अपना रूम शिफ्ट करूंगा। तो चलो लेट्स बिगिन। तो अभी एक रूम हमने साफ कर दिया, अब हम मेरे वाले रूम को साफ करने जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत 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 ज्यादा गंदा है। को सर मेरे रूम में भी सफाई करोगे ना, झाड़ू लगे, ये देखो बोलू ले जाओ सर, यहाँ डाल दे नीचे ले जाओ, झाड़ू बहुत झाड़ू नीचे फेंक दिया।
जल्दी से चलो इधर इधर हेलो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना कोई सेंस है इस बात की ये है 47 ये है ठीक है बुरा नहीं है गंदा हो रहा थोड़ा इसको सफाई करनी पड़ेगी ये देखो कोट को कपड़े सुखाने की जगह बना दी गई है आप फिर से आ गए आपसे मैंने क्या कहा था वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है ओके पूरा झाड़ दिया था उन्होंने स्वीपर ने बट बिल्कुल नहीं झाड़ा था क्या कहना चाहोगे आप सफाई धूल बहुत हो रही है तो हमें खुद साफ करना पड़ रहा उन्होंने नाम कैसे ऊपर ऊपर कर दिया था अब हम लाएंगे ये बाल्टी और ये हैरी पॉटर का झाड़ू है अभी हमारी बिल्कुल यहाँ हालत टाइट हो गई है बहुत ज्यादा इतनी धूल थी नाक में घुस के छींक पे छींक आ रही है One eternity later. सुनो अरे भैया सुनो तो सही लाइक कमेंट शेयर सुनते ही नहीं इनको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही लग रहा है आपको शाउट आउट दूंगा मैं अरे सर रुको गजब बेइज्जती है बस बस तो अभी का सीन ये है हमने पूरा रूम चकाचक फिनाइल से धो दिया ऐसी खुशबू आ रही जब बदबू मार रहा था अभी तक इसका रूम तो अभी भी गंदा ही है तो अभी रूम पूरा साफ हो गया बट अब पूरा सामान रख दिया एंड अब जा रहे हैं हम ताला लेना है ताला ताकि लॉक लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं रह नहीं रहा हूँ अभी दो तीन दिन बाद आऊंगा वापस तो ये रहा हमारा फर्स्ट ईयर का हॉस्टल छोटा ताला ले आई हूँ एक पेपर बोर्ड भी लेना है पन्नगर का फायदा सीनियर खिलाएगा हमें ये पेपर बोर्ड इतना पिया है ना पन्नगर में अब फिर से शुरू हो जाएगा पीना चलो तो ताला भी ले आया लॉक लगा के रूम पे जा रहे हैं हम एक जगह बताते हैं क्या है कुछ हाँ मेरे रूम में ताला तो चलो चलते हैं बुलाने ना तो अब हम जा रहे हैं माँ तो पन्नगर में किसान मेला लगता है जहाँ सारे अलग अलग जगह से किसान आते हैं अपना वो मैंने वो घुमाने ले आ रहा हूँ और ये हमें तू क्या घुमाने ले आ रहा है तो हम वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ देखते हैं क्या क्या सीन है उसके बाद पापा भी आएंगे यहीं हम पापा के साथ जाएंगे और ये यहीं रहेगा ओए भाई तो पार्किंग डन और देखो कितनी गाड़ियाँ रखी हैं एक दो काफ़ी गाड़ियाँ किसान मेले का तो यह गांधी पार्क यहाँ का मेन जहाँ मेन ऑडिटोरियम है पन्नगर का तो यहीं हो रहा है भीड़ गजब कुछ बताना चाहोगे गांधी पार्क के बारे में गांधी पार्क है यहाँ की सबसे सुकून वाली जगह अगर आप सिंगल नहीं हो तो सिंगल नहीं हो तो सुकून वाली जगह few moments later चल बाय बाय बाकी तो यहाँ किसान मेले में काफी भीड़ थी और ये भी चले गया अब चलते हैं हम लोग घर मेले से प्लाजो ली ये आंवला कैंडी ली अनार दाना लिया धनी क्या क्या लेके आया वेस्ट रेट पे तो अब चलते हैं घर को चलो रिवाज के हिसाब से जब भी हम यहाँ से पास होते हैं हम काजू शेक पीते हैं हम वही पियेंगे अरे अरे
आराम से। ये भैया बैठे हैं, हम यहाँ पे गाड़ी लगाएंगे एज यूजुअल एंड फिर लेके आएंगे। देख जैक, सुन सुन, मैं सबको बोल के आ गया हूँ, मैं वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तू भी जाएगा ना अपने दोस्तों के पास, तू भी बोल देना, ठीक है? ओके, हाँ भी बोल दिया। हम 11:30 बजे यहाँ से गए थे एंड अभी बज गए 8 और अब आ रहे हैं। पापा भी नहीं आए, पापा को भी आज लेट हो गई और कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है। आज ज़्यादा से ज़्यादा थक गए, मैं रोज़ बोलता हूँ बट आज ज़्यादा, क्योंकि इतना सफाई करा ना रूम में, मतलब 1 इंच की धूल थी वहाँ, इतनी ज़्यादा धूल, तो बहुत ज़्यादा झाड़ू, मैंने तो झाड़े मारा, मम्मी ने साफ किया, मैंने झाड़ू मारा। मम्मी कब थक गए, तो अभी तो बहुत ज़्यादा थक गए, कपड़े चेंज करके मस्त सो जाते हैं। आज बहुत नींद आ रही है, पेट तो भरा ही है, बहुत खा लिया, तो करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। पसंद आया तो लाइक कमेंट करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो बिल्कुल हमें ताकत नहीं हुई आज, हमने बाहर से ही ऑर्डर किया है।